मई 2023 में हैकर्स ने BSNL के सिस्टम में सेंध लगाकर लाखों ग्राहकों का डेटा चुरा लिया। इस डेटा में ग्राहकों के नाम, पते और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार की ऑनरशिप पर चलने वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को बीते दिनों एक बड़े डेटा लीक का शिकार होना पड़ा। अब सरकार ने भी इस डेटा लीक की बात स्वीकार कर ली है। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि इस साल मई के महीने में लाखों BSNL सब्सक्राइबर्स का डेटा लीक हो गया है। इसके साथ ही लोगों की पर्सनल जानकारी भी लीक होने का खतरा बढ़ गया था। दरअसल हैकर्स ने इस साल मई के महीने में BSNL के सिस्टम में सेंध लगाकर बड़ी मात्रा में डेटा चोरी कर लिया था। इस डेटा में सब्सक्राइबर्स के नाम, एड्रेस, फोन नंबर और बाकी पर्सनल जानकारियां शामिल होने की बात सामने आई थी। खतरे की बात यह है कि चोरी हुए डेटा का इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी, पहचान चोरी या फिर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। शुरुआत में डेटा लीक को लेकर कोई अधिकारी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब सरकार ने इसकी जानकारी दे दी है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने के लिए कहा है। इसके अलावा सब्सक्राइबर को अपने ऑनलाइन पासवर्ड को तत्काल बदलने की सलाह भी दी गई है। साथ ही अनजान नंबरों से आने वाले कॉल से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। डेटा सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की भी जरूरत है। लीक्ड डेटा की मदद से हैकर्स यूजर को अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ किसी भी संदिग्ध लेनदेन की स्थिति में फौरन बैंक को संपर्क करें और जागरूक रहें। कंपनी ने यूजर्स को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जिसमें यूजर्स अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड तुरंत बदलें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अनजान नंबरों से आने वाले कॉल से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लेनदेन की स्थिति में तुरंत अपने बैंक और अन्य संबंधित संस्थानों को सूचित करें। अपने डिवाइस को अपडेट रखें और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि संभावित साइबर हमलों से बचा जा सके। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाने की उम्मीद है। अपने डेटा की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है ताकि साइबर अपराधियों के चंगुल से बचा जा सके।